हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक? चलिए भाई, हम लोग जो है आज आगे स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं वेरियस टाइप ऑफ सर्किट्स, ठीक है। उसी के क्रम में या उसी के ऑर्डर में क्या आज हम लोग पढ़ेंगे, व्हेन एसी सर्किट हैव इंडक्टर एल एंड कैपेसिटर सी। नेक्स्ट क्या रहेगा, सर्किट है एल सी आर, तीनों रहेगा। अभी क्या एल है सी है, इसके पहले क्या पढ़ा है, व्हेन सर्किट है ओनली रेजिस्टेंस आर, आर ओनली इंडक्टर और ओनली कैपेसिटर, फिर दो दो क्या हो गया कॉम्बिनेशन। उसमें क्या था, अगर मान ली क्या है इंडक्टर एल और रेजिस्टेंस आर हो, नेक्स्ट क्या था कैपेसिटेंस सी और रेजिस्टेंस आर है, और थर्ड क्या है, अब आ गया इसमें नेक्स्ट क्या हमारा है, व्हेन सर्किट है एल एंड क्या सी, ठीक है। जितने फार्मूले ध्यान रखना है, जितने न्यूमेरिकल क्या है आसानी से लगे आपके, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल करवा भी रहे हैं, आगे करवाएंगे। तो इसके बाद क्या आएगा, जब सर्किट में एल होगा यानी इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा, और उसके बाद क्या होगा रेजिस्टेंस होगा, अगर तीन हो तो क्या होगा। पहले फिलहाल देखते हैं क्या है, व्हेन सर्किट है एल एंड सी। सपोज दैट क्या, सपोज मैंने बनाते हैं इसका सर्किट डायग्राम, माने क्या हमारा हो गया ई, मान ली हमारा हो गया एल, हो गया इंडक्टर, हो गया ईसी से क्या लगा हुआ रेजिस्टेंस लगा है सी, कैपेसिटर क्या लगा है सी लगा, ध्यान रखिए इसको सी लगा दिया, यहां लगा दिया एसी सोर्स, क्या लगा दिया एसी सोर्स लगा दिया, ठीक है। अगर एसी सोर्स हो गया, अब यहाँ क्या क्या कौन कौन वोल्टेज होगा, यहाँ हो गया सोर्स हो गया बी इक्वल टू बी जीरो साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू हो जाएगा आई जीरो साइन ओमेगा टी, ठीक है। वोल्टेज क्या सोर्स के लिए वोल्टेज और सोर्स के लिए क्या हो गया करंट हो गई, यहाँ क्या आएगा इस पर वोल्टेज होगा बी एल, साथ साथ क्या हो गया आई एल, यहाँ हो गया बी सी और क्या हो गया आई सी, ठीक है। ये हो गया इंडक्टर, ये क्या हो गया कैपेसिटर, ठीक है। क्या देखना है वी एल कितना होगा, सेम ही चलेगा एज वी नो, इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज लीड 90 डिग्री विद क्या हो गया करंट, इनकी ये सब कैपेसिटर वोल्टेज लैग करता है, तो इसमें करंट आ गई हम वोल्टेज आ गई है। हम क्या करते हैं, हम वोल्टेज वेरी कराते हैं, फिर ध्यान रखिए, ठीक है। आप किसी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए जो इक्वेशन बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे तो उसमें क्या मानेंगे कि करंट हमारी स्टैटिक, फिर क्या हो जाएगा इसमें सोर्स में क्या है वोल्टेज करंट सेम फेज में है, एल में क्या है वोल्टेज क्या है लीड कर रहा है, सी में क्या है वोल्टेज क्या लैग कर रहा है, इस वेज क्या इनका लिखा जाएगा इक्वेशन लिखा जाएगा, और जब इक्वेशन हो जाएगा उसी वेज क्या बनेगा इनका कर्व बनेगा, फिर क्या बनेगा फेज डायग्राम बनेगा, उसी से क्या इनका आएगा इम्पीडेंस आएगा। तो जितने फैक्टर हमारे क्या है वन बाई वन आएंगे, तो ध्यान समझना है कि देखो कई फार्मूले मिल रहे हैं, इन फार्मूले में कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर साथ साथ जो पढ़ा रहे हैं इस साथ रिवाइज करते रहे आप लोग तो क्या हो गया, तो उस कंडीशन में आपको कोई कन्फ्यूजन फिर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए प्रयास करेंगे हर चीजें क्या बहुत छोटी छोटी चीजें शेयर कर रहे हैं आपसे, ओके। तो इसमें क्या हो गया कि व्हेन सर्किट है इंडक्टर एंड कैपेसिटर, देन इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज लीड 90 डिग्री और पाई बाई टू फ्रॉम करंट, एंड इन केस ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज लैग पाई बाई टू और 90 डिग्री इन फेज बाई क्या हो गया बाई इलेक्ट्रिक करंट, दैट्स व्हाई इक्वेशन लिखिएगा उनका, ठीक है। नोट कर लो पहले सुनना, ओके ना। क्या हो गया हमारा जो हमने बताया लिख दिया ना उसी सेम, व्हेन एसी सर्किट है इंडक्टर एल एंड कैपेसिटर सी, देन इन इंडक्टर वोल्टेज लीड पाई बाई टू इन फेज बाई करंट, एंड इन कैपेसिटर वोल्टेज लैग पाई बाई टू इन फेज बाई करंट, ठीक है। देयरफॉर अब क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ एसी वोल्टेज एंड एसी करंट फॉर दिस सर्किट, दिस थिंग क्लियर, बढ़े आगे, ओके। क्या लिखते हैं, फिर लिखते हैं इसका इक्वेशन लिखिए, फिर क्या लिखेंगे इसका इक्वेशन लिखेंगे, फिर क्या बनाएंगे कर्व बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे फेज डायग्राम बनाएंगे, चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इस बार क्या हमारा आ जाएगा इक्वेशन, v इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, फॉर क्या सोर्स के लिए हो गया, इंडक्टर क्या होता है वोल्टेज लीड करेगा इसलिए ओमेगा टी प्लस वाई बाई टू, और कैपेसिटर पर वोल्टेज लैग करता है इसलिए क्या हो गया ओमेगा टी माइनस वाई बाई टू,
ठीक है, आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, कैसे पैरी कर रहा है। ओके, अब क्या बनाएंगे, नेक्स्ट क्या रहेगा इसका, कर्व। कर्व बनाइए, इसमें कर्व हो गया वोल्टेज और क्या हो गया करंट का वर्सेस क्या हो जाएगा, क्या हो गया ना, देयरफॉर चल के नाउ क्या हो जाएगा कर्व, क्या हो गया भाई, हो गया कर्व या ग्राफ, कर्व आर या कर्व हो गया बिटवीन, बिटवीन बी आई वर्सेस कितना भाई टी, एक कर्व बनाना है, ध्यान से समझना, ध्यान से कर्व बनाएंगे क्योंकि यहाँ बनाने कंफ्यूज हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ क्या हो गया, इधर टाइम दिखा दिया, इस पे क्या वोल्टेज करंट दोनों हो गई, ठीक है। अब क्या देखो, ये पहला माने सोर्स के लिए, इसके लिए हो गया, ये हो गया सोर्स के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, ये हो गया सोर्स के लिए, जितना ऊपर नीचे दोनों सेम बनना चाहिए, ज्यादा बड़ा छट नहीं हो जाएगी, क्या हो जाएगा ये सोर्स के लिए, चलो मान लिया हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा सेम, यहाँ आ गया करंट लिए आ गया इसके बाद सेम फेज में, अब किसका एक किसका कर्व हो गया, एक कर्व हो गया सोर्स के लिए, कर्व किसके लिए हो गया, एक कर्व हो जाएगा सोर्स के लिए, यहाँ चलेगा इसके बाद सेम, चलिए भाई ये सोर्स के लिए हो गया, करंट हो गई निकल गई, ठीक है। यहाँ कितना हो गया वी जीरो होगा, ठीक है, यहाँ कितना हो गया आई जीरो, ऐसे यहाँ कितना हो जाएगा माइनस बी जीरो, यहाँ कितना हो गया माइनस आई जीरो, ठीक है। अब देखिए ग्राफ के ध्यान से, इसलिए हो गया ये तो हो गया बी के लिए, अर्थात बी जीरो साइन ओमेगा टी, काम खत्म इसका, ये क्या हो गया हमारा किसके लिए आई के लिए है, आई इक्वल टू कितना हो गया आई जीरो साइन ओमेगा टी, यही क्या हमारा है यही आई सी है, यही क्या है यही मेरा क्या है आई एल बी है, दोनों है ठीक, वही आई सी है वही आई एल, देख रहे आई एल वही है वही आई सी वही आई सी है, लेकिन बी एल क्या है प्लस वाई बाई टू, अर्थात जब क्या टी रखेंगे जीरो, यहाँ क्या हो गया प्लस, क्या प्लस भी जीरो आएगा, ये कहाँ स्टार्ट होगा, पिछले को यहां से मैक्सिमम, ध्यान दीजिए जब टी जीरो हो गया तो मैक्सिमम पे है, जब यहाँ वैल्यू करंट की मैक्सिमम होगी तो कितना जीरो पे आ जाएगा, जीरो हुआ करंट इतने मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो गया ये मैक्सिमम हुई करंट फिर जीरो आ गया सेम, इसलिए मतलब कदमरा नहीं होगी, चलिए भाई यहाँ चले फिर यहाँ चलेंगे यहाँ पहुंचे फिर यहाँ जाते हैं यहाँ जाएंगे फिर क्या है एक ग्राफ आगे बढ़ जाएगा, फिर यहाँ देखिए इसलिए हो गया तो बीएल हो गया, बीसी देखिए यहाँ हो गया माइनस जीरो, क्यों माइनस क्योंकि यहाँ रखेंगे जीरो क्या टी जीरो के भी कास माइनस नाइनटी आ जाएगा, ये कितना हो गया माइनस टी जीरो, हमारा ग्राफ यहाँ चलेगा यहाँ से यहाँ चलेगा यहाँ जाएगा कटेगा मैक्सिमम, ठीक है हाँ चलेगा बी जीरो चलो आज हो गया ये चलेगा बी जीरो से यहाँ गया फिर क्या आ गया यहाँ जाएगा जीरो मैक्सिमम हो जाएगा जीरो पर मैक्सिमम हो गया मैक्सिमम फिर यहाँ मोड़ेगा यहाँ जाएगा, ठीक है इसका बना लेना है तो यहाँ चला इस प्रकार से यहाँ जाते हुए यहाँ गया फिर क्या आगे बढ़ जाएगा क्लियर, जैसे अगर आप देखो ये किसके लिए हो गया ए वाला हो गया बी सी, किसके लिए हो गया एक ग्राफ हमारा बी सी हो गया, बी सी कितना है एक कितना बी सी हो गया बी जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, एक ग्राफ किसका हो गया ये बी एल हो गया, कौन सा हो गया एक ग्राफ वाला बी एल हो गया बी एल, क्लियर कितना बी एल है दिखाई पड़ रहा है, इस प्रकार बी सी हो गया बी एल हो गया, आई होप क्वेश्चन क्लियर, ठीक ये हो गया आपका कर्व हो गया, ठीक है कर्व हो गया तब क्या बनाएंगे, अब बनाएंगे इसका फेजर डायग्राम, क्या बनाएंगे फेजर डायग्राम बनाएंगे, बनाए भाई चलिए नेक्स्ट क्या बनाते हैं फेजर डायग्राम, समझिए फेजर डायग्राम बनाते हैं, ये ध्यान दीजिए कैसे बनेगा है कैसे बनेगा समझो इसको ध्यान से, क्या बनाए देखो दोनों बनाते हैं एक बनाते हैं रोटी में बच्चों वाला दूसरा बना रहे हैं सिंपल, ठीक है देखो समझो अगर मान लो क्या है इधर दिखा दिया वाई इधर हो गया एक्स इधर हो गया एक्स इधर हो गया वाई, यहाँ क्या बनाने के इस बात से ये तो हो गया करंट के लिए रोटेटिंग वेक्टर, ये किसके लिए हो गया ये तो हो जाएगा वोल्टेज के लिए रोटेटिंग, हो जाएगा इस बात से किसके लिए हो गया ये हो गया वोल्टेज के लिए हो गया रोटेटिंग वेक्टर
आर द क्या हो गया वोल्टेज, क्लियर हुआ। ये हो गया एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ठीक है, कर क्लियर हुआ इतना। अब ध्यान दीजिए, अब पहले के वोल्टेज वी आई के लिए क्या हो जाएगा हमारा वी आई, देखो यहां मान ली ओमेगा टी, ध्यान देखिए क्या ओमेगा टी, ये हमारा सिम क्या, ये सारा आई ही है, सारा आई ही है, और यहाँ क्या सोर्स का वोल्टेज, सोर्स का वोल्टेज भी हो गया, सोर्स के लिए हो गया भाई, किसके लिए हो गया, सोर्स के लिए हो गया। ये आई क्या, यही हमारा टोटल आई है, यही आईसी है, यही सब कुछ है, यही आई सब कुछ ओमेगा टी आ गया। अब वोल्टेज देखो बीएल क्या हो गया, बीएल इससे 90 डिग्री आगे है, ठीक है, देखो बीएल 90 डिग्री आगे कर दिया क्या, बीएल हो गया, इससे बीएल क्या हो गया 90 डिग्री आगे हो गया, पाई बाई टू आगे कर दिया ना, ये हो गया बीएल। बीसी क्या हो गया, इससे 90 डिग्री पीछे है, क्या हो जाएगा ये बीसी 90 डिग्री पीछे हो जाएगा, सर पीछे हो गया, एंगल कितना, एंगल कितना पूरा पूरा, फिर 90 हो गया, बीसी इधर हो गया। अब क्लियर हुआ व्हाट इज एंगल बिटवीन बीसी एंड बीएल, कितना हो गया 180 डिग्री, यहाँ क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, यहाँ बीसी और बीएल के फेज में कितना डिफरेंस आ गया 180 डिग्री आ गया, ऐसा दिखा दीजिए, क्लियर हुआ। और कैसे दिखा सकते हैं, इधर दिखा दिखा तो करंट यहाँ केवल करंट आ गया, यहाँ केवल करंट रहेगी, आपकी वोल्टेज नहीं था, ये रिजल्टेंट करंट है, पहले क्या था यहाँ आर था इसलिए वोल्टेज जा रहा था आर का, आर है ही नहीं यहाँ पे। वीएल क्या है, इस करंट से 90 आगे है, 90 आगे हो गया। बीसी क्या है, इस करंट 90 पीछे हो गया, ठीक है, बीसी 90 क्या पीछे हो गया। अब इसमें तीन कंडीशन बनेगी, हो सकता है वीएल ज्यादा हो बीसी कम हो सकता है बीसी ज्यादा वीएल कम हो सकता है दोनों बराबर हो, ठीक है, इसी क्या निकलेगा, तब पहले निकालते हैं रिजल्टेंट वोल्टेज, फिर क्या निकालेंगे, ठीक, फिर जो ज्यादा होगा, अगर वीएल ज्यादा हो गया इसमें क्या हुआ एल डोमिनेंट है, ठीक है, सी ज्यादा है बीसी तो सी डोमिनेंट, मतलब इसका बिहेवियर देखिए, इसका बिहेवियर एल और सी है तो बिहेवियर क्या होगा, या तो एल जैसा होगा या तो सी जैसा होगा या तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, जैसे कोई घर है ना, हर घर में क्या होता है, ठीक, मान ली दो लोग हैं, अब दो लोग हैं तो इसमें कौन डोमिनेंट है उसी चलेगी, अगर मान ली क्या है दोनों बराबर हैं तो न्यूट्रल, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे तो यहाँ क्या है, यहाँ पर जो डोमिनेंट होगा इसका बिहेवियर इस सर्किट का उसके अकॉर्डिंग होगा, डोमिनेंट क्या होगा, अगर मान लिया बीएल वीएल ज्यादा है तो दिस बिहेवियर क्या हो गया इंडक्टर इफेक्टिव रहेगा, सी ज्यादा हो गया बीएल क्या हो गया कैपेसिटर, दोनों बराबर हो गया फिर क्या हो गया वोल्टेज कितना जीरो हो जाएगा ना, इसलिए क्या हो गया सिंस बीएल एंड बीसी लाई इन अपोजिट फेज दैट्स व्हाई व्हाट इज द रिजल्टेंट वोल्टेज कितना हो जाएगा बीएल माइनस बीसी हो जाएगा, क्लियर हुआ, नोट डाउन लिखिए कि सिंस बीएल एंड बीसी आर लाई इन अपोजिट फेज देयरफॉर रिजल्टेंट वोल्टेज कितना हो गया, रिजल्टेंट वोल्टेज कितना आएगा बी इक्वल टू, ये हो गया बीएल, यहां देखो डिफरेंस बीसी से ही मेन हुआ कोई, देखो इसका मतलब क्या हो गया डिफरेंस हो गया, मैं सब पॉजिटिव ध्यान रखिए फॉर द मीनिंग ऑफ द डिफरेंस, देखो अगर एक लिखा है 6 माइनस 8 तो माइनस 2 आएगा, अगर लिखा है 6 डिफरेंस 8 तब कितना आएगा, डिफरेंस दोनों का क्या चाहिए हमको अंतर चाहिए, मैंने उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, हाँ साइन नहीं चाहिए, ठीक है ना, चलिए इसे बोलते हैं मॉड, चलिए या सिंपल चाहिए वो आर स्पेशल तो कोई बात नहीं है, देखो तो कितना बीएल माइनस बीसी का करते कोई समस्या नहीं, क्लास जो लिखिए ठीक है ना, ये क्या हो गया रिजल्टेंट वोल्टेज, क्लियर हुआ, लेकिन आप डिफरेंस बाद में मॉड लगा देंगे, तो डिफरेंस चाहिए हमको। अब क्या हो गया हमें कभी निकालना सर्किट का कितना रेजिस्टेंस होगा, तो हटा देंगे क्या मिल जाएगा, अब बीएल मान ज्यादा है तो रिजल्ट कहाँ पहुंचेगा, अगर मान लो बीएल ज्यादा है सपोज क्या देखो इफ बीएल मोर देन कितना बीसी हो गया क्या हो जाएगा, देखिए तो इधर क्या हो गया, इधर हमारा आई हो गया, इधर क्या हो गया बीएल हो गया, हाँ इधर क्या हो गया बीसी छोटा है ना, छोटा कर दे बीसी को बीसी हो गया, ठीक है, रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ये रिजल्टेंट आएगा घट के, दोनों घट कितना आ गया, ये हो गया बी जो कितना हो गया बी एल माइनस बीसी, क्लियर हुआ। अब देखो रिजल्टेंट वोल्टेज बी करंट कितनी होगी, आई इधर है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस, दिस मीन्स
फेज डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट वोल्टेज एंड करंट कितना होता है 90 डिग्री। क्लियर हुआ? इसलिए इस सर्किट में टेन फाइव कितना हो जाएगा, फाइव 90 आएगा। नोट कर लीजिए, फेज रिलेशन इसमें बिटवीन ध्यान रखिए, बिटवीन रिजल्टेंट वोल्टेज हमेशा ही रहता है, रिजल्टेंट वोल्टेज वी एंड क्या हो गया करंट आई। करंट कौन है? करंट भी आपके रिजल्टेंट करंट है, टोटल करंट पर आई है। चलिए एंड करंट क्या हो गया, करंट आई हो गया। क्लियर हुआ? हमेशा जितना भी फाई निकाला गया है वो सभी कहां किसके बीच का है, रिजल्टेंट वोल्टेज एंड क्या है, एंड रिजल्टेंट करंट बीच है। ठीक है ना, रिजल्टेंट करंट के बीच है। जैसे वही गिरे उसके अंदर क्या है हमें निकालना होता, कितना फाई हमारा होगा। ठीक है भाई, चलिए क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पर देखिए फ्राम दिस माने कौन फिगर हो गया, फ्राम क्या है फिगर डायग्राम ना, माने फिगर क्या, दोनों फिगर सेम है, फिगर मान लिया वन हो गया, फिगर टू हो गया, फिगर टू मान लिया ना, इसी का क्लियर है ना। क्या क्या लिखोगे, फ्रॉम फिगर कौन सा टू ऑफ फेजर डायग्राम, कौन सा है फेजर डायग्राम। ठीक है ना, डायग्राम क्या क्लियर है वहां पे, द फेज डायग्राम, द फेज डिफरेंस, द फेज डिफरेंस बिटवीन आर फेज एंगल फ्रीक्वेंसी वी एंड आई इज कितना हो गया 90 डिग्री, देयरफॉर फाई को कितना आ गया 90 डिग्री, आर क्या हो फाई बाई टू। ठीक है, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस कहां रहेगा, इसका इंपॉर्टेंस मिलेगा आपको जब निकालेंगे पावर, ध्यान रखिए। तो ये जो फाई है जितने आपके सर्किट हैं सबका फेज एंगल आपको क्लियर होना चाहिए, कैसे कितना निकलेगा। ठीक है, क्योंकि जो पावर निकालेंगे और से कई क्वांटिटी निकालेंगे तो वहां इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंस होता है। और सबके लिए देखो फेज क्या है, फेज ओनली एल है 90 आ रहा है, ओनली सी है तो बी और आई कितना 90 आ रहा है, एल सी हो गया तो भी 90 आया, लेकिन सी आर में 90 नहीं था, टेन फाइव क्यों क्या था एक्स बाई आर था, एल में क्या था टेन फाइव एक्सएल बाई आर था। ये अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग हो रहा है। ठीक है, लास्ट क्या है, इम्पीडेंस कितना होगा जो सर्किट का, फिर क्या निकालेंगे, फॉर इम्पीडेंस नेक्स्ट हो गया हमारा इम्पीडेंस। देखो यहां जैसे ही दो सर्किट का कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या बोलते हैं, वहां बोलते हैं इम्पीडेंस बोलते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा इसके पास इम्पीडेंस, इफ करंट इन द सर्किट आई और क्या होता है, और जेड कितना हो गया ओमेगा एल माइनस क्या होता है वन अपॉन ओमेगा सी, भी फॉर्मूला है ना। ठीक है, ऐसा लिख दिया जाए, और जो भी दिया जाए जैसे टू पाई एफ एल वन अपॉन टू पाई एफ सी। क्लियर हुआ? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, अगर ऐसी फ्रीक्वेंसी चूज कर लीजिए जिससे क्या हो जाए एक्सएल इक्वल टू एक्स सी, देन व्हाट हैपन, इफ एक्सएल इक्वल टू एक्स सी हो जाए जेड कितना हो गया जीरो, जेड क्या है इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस क्या है एक्चुअली सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसी सर्किट का, तो अगर ये जीरो हो गया रेशन जीरो हो गया, रेशन जीरो हो गया करंट क्या होगी मैक्सिमम करंट, और उसमें करंट हमारी ऑसिलेट भी कर रही है, अगर कोई चीज ऑसिलेशन मैक्सिमम होता है उसे क्या बोलते हो, उसे बोलते हो रेजोनेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं रेजोनेंस। तो देन दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस, द फ्रीक्वेंसी एट विच इम्पीडेंस इन द सर्किट इज जीरो देन ऑसिलेशन ऑफ करंट इज मैक्सिमम, दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस कंडीशन एंड दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नोन एज क्या हो गया, इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ? नोट डाउन लिखिए, तो वहां क्या हो गया रेजोनेंस एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्या द कंडीशन इन व्हिच द इम्पीडेंस ऑफ इसी सर्किट इज जीरो और मिनिमम, दो कंडीशन है यहाँ जीरो और मिनिमम, सर्किट आपके अगर एलसी है तब तो वहां इम्पीडेंस जीरो हो जाएगा, अगर सर्किट एलसीआर है
तो जीरो नहीं होगा, उसमें मिनिमम रेजिस्टेंस कितना होता, आर होता फिर, क्योंकि एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, अभी देखेंगे आगे, तो जीरो नहीं होता, क्या मिनिमम। देन द ऑसिलेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज मैक्सिमम, देयरफॉर दिस फेनोमेना इज नोन एज, दिस फेनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस, एंड द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस कंडीशन ऑब्टेंड इज नोन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। नाउ पढ़ जाए एक्सप्रेशन ऑफ रेजोनेंस देखना है, फिर क्या उसकी कंडीशन है, जो निकाली फार्मूला ऐसा क्या होगा भाई, क्या हमारा इस वर्ष हो जाएगा है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, एज यू नो दैट फॉर एलसी सर्किट द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट कितना होता है, द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट जो होता है जेड इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी। अगर क्या कर दिया जाए, इफ एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज द कंडीशन, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी क्या है, इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस हो गया, जेड जीरो हो गया, अगर जेड जीरो हो गया करंट आई इक्वल टू वी बाय जेड होता है, जेड जीरो हो गया या मैक्सिमम मिनिमम हो गया तो आई क्या जाएगा मैक्सिमम, दैट्स व्हाई देयर फॉर क्या, देयर फॉर दिस इज द क्या, देयर फॉर यू कैन से देयर फॉर दिस इज द कंडीशन ऑफ क्या हो जाएगा रेजोनेंस, क्लियर हुआ। अब क्या हो गया, हो गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा एस ओमेगा थे ले आई, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन एल सी, ठीक, ओमेगा कितना हो जाएगा वन अपॉन रूट एल सी, या इसी क्या बोलते हैं, इसी बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे इसे, या कितना हो गया ओमेगा कितना टू पाई एफ इक्वल टू वन अपॉन रूट एल सी हो जाएगा, या एफ इक्वल टू कितना हो गया वन अपॉन टू पाई अंडर रूट एल सी। तो दिस इज द डेरिवेशन फार्मूला, होल फार्मूला वी हैव कंप्लीटेड, ओके, फॉर एलसी सर्किट। नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट हमारा रहेगा एलसीआर सर्किट, ओके ना, चलिए नोट करिए फटाफट, इसको नोट करिए फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना, ओके। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सर्टेनली आप ये सब फॉरवर्ड योर फ्रेंड, ठीक है ना, आप लोग फ्रेंड को इसको फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मैक्सिमम बच्चों तक चीजें इजी वे में पहुंच सके, जो हमारा पर्पज है, जो हमारा उद्देश्य है, ये पूरा हो सके, जिसको केवल आप लोग ही पूरा कर पाएंगे, ओके भाई, चलिए थैंक यू।